दोस्तों जुलाई मंथ में लॉन्च होने वाली हैं 10 पॉपुलर गाड़ियाँ, उन बिग ब्रांड्स की जिन्हें आप पसंद करते हैं। इनमें मारुति भी शामिल है, होंडा भी शामिल है तथा हुंडई जैसी बड़ी कंपनियाँ भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके लिए जुलाई मंथ में लॉन्च होने वाली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही शेयर करेंगे उनके मेन फीचर्स, प्राइस, ऑल डिटेल्स। तो मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लाते रहते हैं हम इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऑटोमोबाइल्स न्यूज़, न्यू गाड़ियों के लाइव रिव्यू, सभी कुछ ऑटोमोबाइल्स को आपको मिलता है ऑल अपडेट हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गाड़ी है जो लॉन्च होने वाली है आपकी, एस क्रॉस की हम बात करते हैं। 2000 एस क्रॉस में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, जहां पर 2018 के मॉडल में मिलता था 1.3 लीटर का फ्लैट शोस्ट मल्टीजेट इंजन, वहीं पर अब आपको मिलेगा 1.5 लीटर का BS6 कंपोनेंट का पेट्रोल इंजन, बिल्कुल स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। और एस क्रॉस प्राइस रेंज की फ्रेंड्स अगर आप बात करें तो इंडिया में स्टार्ट होता है 8.8 लाख फॉर द बेस सिग्मा वेरियंट्स, और अगर आप बात करें इसके बाद में आता है ऑल वे तो ₹11.40 लाख तक अल्फा टॉप एंड में अल्फा वेरिएंट्स। और अगर आप इसके कंपटीशन की गाड़ी की बात करें तो फ्रेंड्स हुंडई की क्रेटा है या निशान की किक्स है या रेनॉल्ट की कैप्चर है, तो उसी कंपटीशन में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। तो आपको गाड़ी कैसी लगती है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट गाड़ी है जो मारुति लॉन्च करने वाली है, आर्टिका का लेटेस्ट वर्जन। और फ्रेंड्स ये लॉन्च होगा आपका जुलाई 13 को, और इसका प्राइस लगभग 830 लाख से स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट वेरियंट्स की अगर आप बात करें। और फ्रेंड्स ज़बरदस्त फीचर्स इसमें अपग्रेड किए गए हैं, आपको इस स्पोर्ट्स वर्जन में मिलने वाला है बिल्कुल स्पोर्ट्सी लुक, ताकि साथ ही मिलेगा इसके साथ ही एडवांस इंजन के ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। पेट्रोल के वेरिएंट्स करंट में आपको इसमें मिलेंगे, हालांकि इसके CNG वेरिएंट्स करंट में भी अवेलेबल है, लेकिन स्पोर्ट्सी लुक के साथ ये गाड़ी जो आने वाली है उसका बिल्कुल जवाब नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी है आपकी जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मारुति के बाद में नेक्स्ट गाड़ी जो लॉन्च होने वाली है हुंडई की, एक बिल्कुल पावरफुल गाड़ी हुंडई की टिस्कॉन। और फ्रेंड्स ये लॉन्च होने वाली है आपकी जुलाई 17, 2020 को। जहां तक इसके प्राइस की बात है, प्राइस इसका स्टार्ट होता है 20 लाख से, और इसमें आपको मिलता है ज़बरदस्त पावरफुल इंजन 1999 cc का, यानी 2.0 का पेट्रोल इंजन। साथ ही आपको मिल जाते हैं MT ट्रांसमिशन, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन हो या इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो। और जहां तक फ्रेंड्स बात है इसके माइलेज की, तो अपने सेगमेंट में ये माइलेज देती है 12.95 km/L का। आपको कई वेरियंट्स इस गाड़ी के मिलते हैं, तो अपनी चॉइस के अनुसार आप कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आप टॉप एंड पे जाते हैं तो लगभग 26 लाख के आसपास इसका टॉप एंड आता है। इसका एक्सोरूम की बात ये है दोस्तों, तो ये आने वाली है हुंडई की टिस्कॉन का लेटेस्ट वर्जन 2020 का। और इसके बाद में फ्रेंड्स आपके लिए लेटेस्ट गाड़ी लॉन्च होने वाली है होंडा की तरफ से, जो होगा WRV का लेटेस्ट लॉन्च, और ये बहुत शीघ्र यानी 2 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। अप टू 8 लाख के आसपास इसका प्राइस स्टार्ट होगा। और जहां तक बात है, इसमें आपको सभी फुल्ली अपग्रेडेड फीचर्स मिलने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की, तो फ्यूल टाइप्स आपको मिलता है पेट्रोल लेते हैं या आप लेते हैं डीजल, तो पेट्रोल में आपको मिलता है 1199 cc का तथा डीजल में मिलेगा 1498 cc का, यानी 1.5 लीटर का 5 सीटिंग कैपेसिटी की इस गाड़ी में आपको मिलते हैं कमाल के फीचर्स, जिनकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपको मिलते हैं ऑल सेफ्टी फीचर्स के अलावा कंफर्ट भी इस गाड़ी का ज़बरदस्त है अपने सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इसका कर्व वेट भी काफ़ी अच्छा आता है, यानी कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल सफ़र कर सकते हैं ऑन रोड की बात करें या ऑफ रोडिंग की अगर आप बात करें। इसके अलावा आपको इस सेगमेंट में मिल जाते हैं बहुत सारे ऐसे फीचर जो सेगमेंट के अन्य गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। और इसके माइलेज की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ARI सर्टिफाइड माइलेज आता है 25 के आसपास, और सिटी माइलेज आता है लगभग 15 के आसपास। ये है दोस्तों फ्यूल टाइप जिसका आता है डीजल, यानी डीजल वाले वेरियंट्स का हम बात कर रहे हैं माइलेज की, और पेट्रोल में आप जानते ही हैं थोड़ा इससे कम आता है। तो ट्रांसमिशन का आप इसमें मिल जाता है आपको मैनुअल या आप जो भी चाहते हैं। इसके अलावा बूट स्पेस इसका मिलता है 363 का, यानी कि अच्छा खासा बूट स्पेस। इसके अलावा फ्यूल टैंक आता है इसका 40 लीटर का। अगर मेन फीचर्स की बात करें, चाहे वो पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, एंटी लॉक ब्रेकिंग, ABS, EBD वगैरह सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो आपको होंडा की WRV कैसी लगती है आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, या इसके अलावा आप होंडा की कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं।
इसके बाद लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट होंडा की एक गाड़ी होंडा सिटी 2020, जिसमें आपको इंजन पावर की बात करें तो 1498 सीसी का इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर जबरदस्त है 119.3 bhp की 6600 rpm पर, तथा मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 145 Nm का 4300 rpm पर। ट्रांसमिशन टाइप अगर आप मैनुअल चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा माइलेज इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और जहाँ तक बात है इसके एक्सपेक्टेड डेट की, तो 15 जुलाई को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। लेटेस्ट अपडेट इसकी तरफ से ही आ रहा है। और अन्य फीचर्स में ऑल सेफ्टी फीचर तथा कंफर्ट के सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और आप जानते हैं अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट गाड़ी है। और जहाँ तक इसमें मिलता है होंडा का एस बॉडी स्ट्रक्चर सभी गाड़ियों की तरह, और इंजन पर मिलती है अनलिमिटेड वारंटी, तथा न्यू गाड़ी आपको शीघ्र ही मिलने वाली है और आपको इसका लाइव रिव्यू शीघ्र हमारे चैनल पर देख पाएंगे। और एंटरटेनमेंट में फ्रंट स्पीकर, यूएसबी ऑक्सिलरी इनपुट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले। इसके अलावा बात करें अन इसके टायर साइज की, तो आपको मिलते हैं इसमें 185.55 R16 के टायर, तथा कर्व वेट की अगर बात करें तो इसमें मिलता है 1153 का। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, स्टार्ट होता है 10.13 लाख से 1498 cc के इंजन के साथ, जिसका माइलेज आता है। और इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी है 6 नंबर पर महिंद्रा की थार, जो जुलाई 19 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। अगर बात करें इसके मेन फीचर्स की, तो फ्यूल टाइप्स अगर डीजल इसका आप देखते हैं, तो इंजन इसका मिलता है 2498 cc का, जो देता है मैक्सिमम पावर 105 bhp की 3800 rpm पर। और मैक्सिमम टॉर्क है इसका 247 Nm का। ट्रांसमिशन टाइप इसमें मैनुअल है, तथा बॉडी टाइप SUV की ये गाड़ी आती है ज़बरदस्त फीचर्स के साथ, जिनमें से की फीचर्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। जैसे कि इसकी हाइट आती है 1930 mm की, तथा विड्थ होती है 1726 mm की, और लेंथ है 3920 mm की, और व्हील बेस आता है 2430 mm का। और फ्रंट थ्रेड इसकी बात करें 1445 mm, रियर थ्रेड होता है 1346 mm का। और थार में आपको मिलने वाला है बेस्ड ऑन मल्टीपल स्लाइड न्यूड, इसके अलावा LED DRLs की बात करें, या बात करें फ्रेंड्स इसके इंजन की, तो आपको मिलता है 2.0 का लिटिल टर्बो पेट्रोल इंजन, 2.2 लीटर का डीजल इंजन। इसके अलावा थार एक्सपेक्टेड पावर्स इसकी लॉन्च होने वाला है 19 जुलाई को। इसके अलावा मेन फीचर्स की अगर हम बात करें, अन्य फीचर्स में आपको मिलते हैं ऑल सेफ्टी फीचर्स, जो इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में आपको मिलते हैं। और जहां बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो सबसे ज़्यादा पावर की गाड़ी आती है आपकी डीजल ऑटोमेटिक स्पाइड्स के तहत फर्स्ट टाइम, और एक्सपेक्टेड लॉन्च होने वाला है इसका जुलाई के अंदर। और इसके बाद में 7 नंबर है रेनॉल्ट की गाड़ी, रेनॉल्ट इंडिया की, जो आ रही है आपकी रेनॉल्ट डस्टर टर्बो, जो 15 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। प्राइस अप्रॉक्स होने वाला है 13 लाख से। और जहां तक बात है इसके इंजन की, इंजन आता है इसका 1498 cc का, गियरबॉक्स मिलेगा 5 स्पीड का मैनुअल। और इसके अलावा टॉर्क की बात करें तो 142 Nm का टॉर्क 4000 rpm पर, तथा लेंथ और विड्थ की बात करें तो 4360, 1822 और 1695। बूट स्पेस इसमें मिलता है 475 का। अन्य फीचर्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का रेंट के प्राइस की अगर सबसे पहले हम बात करें, तो 849 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। वेरिएंट्स इसमें आते हैं RXE, RX और RXZ। और इंजन की बात करें तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बताया 1.5 लीटर का इसमें मिलता है ज़बरदस्त पावर के साथ इंजन। अन्य मेन फीचर्स में ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्टैंडर्ड मिलते हैं, तथा इसके अलावा 7 इंच का टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट एडवांस सिस्टम इस गाड़ी के साथ मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ। 6 स्पीकर का सिस्टम इंफोटेनमेंट का आपको मिलने वाला है, DRLs मिलती हैं, LED टेल लैंप्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा किसी कंपटीटर की अगर बात करें, यानी मेन कंपटीशन में इसके कौन कौन सी गाड़ियां आने वाली हैं, तो मेन कंपटीशन में आपकी फोर्ड की इको स्पोर्ट्स है, या मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा है, या हुंडई की वेन्यू है, टाटा की नेक्सॉन है, या महिंद्रा की XUV300 है। तो ये सारी गाड़ियां इसके कंपटीशन की हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी जो आपकी लॉन्च होने वाली है, वो है MG की हेक्टर प्लस वेरिएंट्स, जिसका काफी समय से इंतजार हो रहा है। MG हेक्टर प्लस के अन्य फीचर्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स MG की हेक्टर का हेक्टर प्लस वेरिएंट्स लॉन्च होने वाला है बिल्कुल ऑल न्यू। इस SUV में मिलेगा आपको 7 सीटर्स। इसके अलावा अन्य फीचर्स के इसके हम बात करें, तो इस SUV में आपको मिल रहा है ज़बरदस्त डीजल इंजन तथा पेट्रोल के दोनों ऑप्शन। 3 वेरिएंट्स में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है, पेट्रोल, माइल्ड, हाइब्रिड, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बिल्कुल स्टाइलिश, सुपर स्मार्ट इस गाड़ी में आपको मिलेंगे ज़बरदस्त फीचर्स फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको वेरिएंट्स वाइज मिलते हैं। जैसे कि आपको मिलने वाला है मेजर्स 4720 mm का इसका साइज होने वाला है, 60 mm लॉन्गर होने वाली अगर आप हेक्टर से इसकी कंपेयर करते हैं। इसके अलावा अन्य फीचर्स में आपको मिलते हैं ऑल सेफ्टी के फीचर्स तथा कंफर्ट के सभी फीचर्स। 143 PS का 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिलने वाला है, 170 PS का 2.0 का डीजल इंजन आपको इसमें मिलने वाला है। बहुत इंजन्स 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद भी इसमें मिलेगा इसका एक वेरियंट्स आपको मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन DCT के अंदर,
अंदर भी दोस्तों, और इस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आपको गाड़ी में मिलेगा जबरदस्त टॉर्क और बूस्ट फंक्शंस, और एमजी हेक्टर प्लस में एडिशनल रो और सीट्स आपको इसमें मिलने वाली, यानी कि 7। और जहां तक आप बात करें इसके प्राइस की, तो फ्रेंड्स 12.74 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होने वाला है, 12,74,000 से इसका फर्स्ट वेरियंट स्टाइल आपको मिलने वाला है 1.5 MT के साथ में। इसके अलावा अगर आप जाते हैं इसके DCT ट्रांसमिशन पर, तो आपको थोड़ा इससे काफ़ी अप मिलने वाला है। तो ये हेक्टर प्लस की इन्फॉर्मेशन। और फ्रेंड्स इसके बाद में जो गाड़ी लॉन्च होने वाली है फॉक्स वैगन की जेटा, तो जेटा के बारे में आपको बताते हैं फ्रेंड्स क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आप अपनी क्वेरी लिखकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी मनपसंद गाड़ियों के लाइव रिव्यू हमारे चैनल पर देख सकते हैं।